मेरे घुटनों में कष्ट था, और जैसे ही मैंने दरबार किया और संकल्प किया आने के लिए, मैं 600 किलोमीटर गाड़ी चला के अकेला लेके आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दरबार का, आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। हमेशा परिवार का एक चिंता बनी रहती थी मन में, भय बना रहता था, मेरा परिवार, मेरे परिवार को ये ना हो जाए, मेरे परिवार को वो ना हो जाए। प्रणाम गुरुदेव। खुश हो बेटा, खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। गुरुदेव मेरा नाम जतिन है, मैं सोनीपत हरियाणा से आया हूँ। मेरे डीएनए में 4 लोग हैं, मेरी पत्नी, मेरे मम्मी पापा और स्वयं मैं। खुश हो बेटा जतिन, खूब प्रसन्न रहिए, खूब मस्त हो। गुरुदेव कष्ट तो कोई भी नहीं है, दरबार को धन्यवाद कि कष्टों से तो निरोल कर दिया है, लेकिन कुछ समस्याएं हैं और कुछ साधना के दौरान जो होता है महसूस करता हूँ, मैं आपसे बातें करना चाहता हूँ थोड़ी सी। एक तो गुरुदेव जैसे अभी हल्का सा खिंचाव सा कमर में महसूस हो रहा है, लोअर बैक में थोड़ा सा, और थोड़ा कानों में मेरा ना, मैंने काफी संकल्प किए हैं, सूखापन सा रहता है। आंख बंद करके और जरा देखो, आपका पर्चा बना हुआ रखा है, दिखा भी सकते हैं, कमर में आप खिंचाव देखो लिखा होगा, बना रहता है। पढ़ने में आ रहा है आपको कमर में खिंचाव लिखा हुआ? हम उंगली रखते हैं। हाँ जी हाँ जी, यही गुरुदेव, यही लगा। हाँ जी, ये आता था पूरा बना हुआ, यही खिंचाव, ये आपके पूरे परिवार की स्मृति इसमें थी, जहाँ जहाँ जो था जो नष्ट हुई, अब कुछ भी नहीं है। गहरी गहरी 3 बार सांस खींची और छोड़िए आंख बंद करके, पीछे हटिए जरा 2 कदम, आगे झुके जमीन छुइए, कहीं कोई कष्ट नहीं। अब ऐसे हो आप सभी, ऐसे हो देख रहे हो। हां जी गुरुदेव, ऐसा मामला हो गया है, इतनी कृपा है बाबा माँ की, वर्तमान ऐसा है, जो लिखा ना वर्तमान। हां जी गुरुदेव, ऐसा है वर्तमान जो सबका नहीं होता, क्योंकि आपको पूरे डीएनए के लोग इतनी अच्छी थी, इसलिए कहीं से गंदगी आ नहीं सकती। दरबार की अति कृपा है खूब, आप कुछ भी शेष नहीं, कुछ भी मतलब कुछ भी शेष नहीं, जो जो आपके मन में था वो भी सब डिस्ट्रॉय हो गया आप सबके मन से, कुछ भी शेष नहीं है ना। पहले ऊर्जा कम पड़ने के कारण कष्ट जो है, कष्टों की अनुभूति होती थी जब कष्ट निकलते थे, नष्ट होते थे, अब ऊर्जा बहुत है इसलिए अब कष्ट तो निकलेंगे, कर्म वो कटेंगे, लेकिन अनुभूति नहीं होगी। गुरुदेव एक पेट में सड़न ज्यादा होती है मेरे, और अभी मतलब जब के दौरान ढकारे ज्यादा आती है मुझे। भूल जाओ, वो आज बिल्कुल आती थी, इसीलिए तो कष्ट निकलते थे वो। ठीक है गुरुदेव, जब हम संकल्प कराते थे बोलते ना कि खांसी ढकार जमुआई, हाँ बोलते थे ये निकले। हाँ जी, तो वो गंदगी निकलने का मतलब उनका रास्ता वही था। सब गंदगी गई बेटा, सारा सब गया, कुछ भी शेष नहीं है, सब एकदम टनाटन हो और ऐसे ही अच्छे बने रहो हमेशा। ठीक है, खुश रहो बेटा, प्रसन्न। गुरुदेव एक चीज और, जैसे साधना के दौरान मुझे एक बार त्रिनेत्र सा महसूस होता है, कई बार जैसे खुल सा रहा है, देख रहा है मुझे, कई बार माँ की आंखें दिखाई देती हैं, तो उसमें थोड़ा कंफ्यूजन सा रहता है, समझ नहीं पाता हूँ मैं क्या है। वही मैंने आपको चित्र दिखाया ना, वहां पहुंच गए, क्यों भूतकाल में जा रहे हो, वर्तमान में रहो, खुश रहो। धन्यवाद, खुश रहो बेटा। परम पूजनीय गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा नाम तेज सिंह है, और मेरे घुटनों में कष्ट था, और जैसे ही मैंने दरबार किया और संकल्प किया आने के लिए, मैं 600 किलोमीटर गाड़ी चला के अकेला लेके आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दरबार का, आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। हमेशा परिवार का एक चिंता बनी रहती थी मन में, भय बना रहता था, मेरा परिवार, मेरे परिवार को ये ना हो जाए, मेरे परिवार को वो ना हो जाए, वो सब बाबा ने सारी चिंता समाप्त की, हार्ट अटैक की स्मृतियां नष्ट की है ना, एंक्लोजिंग स्पॉन्डाइट, अकड़न जकड़न बनी रहती थी खूब, हाँ, हाथों में सूजन घाव थे, सब नष्ट हुए,
पेनक्रियास में इन्फेक्शन हो रहा था, नष्ट हुआ। गैलबेडर में इन्फेक्शन हो रहा था, नष्ट हुआ। किडनी में इन्फेक्शन बढ़ रहा था, सब दरबार ने नष्ट किया, है ना। हाँ जी, यूरिन करने में हल्का सा कष्ट आता था, हल्का सा दर्द आता था यूरिन पास करने में, और वो स्मृति भी नष्ट हो गई। पैरों में हमेशा स्वेलिंग जैसी महसूस करना, है ना। हाँ जी। पैनिक अटैक आना, कानों में भी दर्द आना, और सुनाई कम देना शुरू हो गया था, धीरे धीरे ऊंचा सुनना शुरू कर दिया था स्मृति। आंखों में जो दर्द होता था वो भी गया, और श्वास पूरी खींच के पेट तक नहीं ले पाते थे, हल्की श्वास ले पाते, ये सब नष्ट हुआ। खूब गहरी श्वास ले सकते हैं आप, सब खुल गया सारा ट्रैक, एकदम अच्छे सब गया। कल एक महावन होगा तो उसमें 3 लोग रहेंगे, अभी हम बताएंगे उसमें कौन कौन रहेगा, ठीक है। खुश रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रसन्न रहिए, खूब खुश रहिए, मस्त रहिए। गुरु जी कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मैं नीलम सोनीपत से। गुरु जी दरबार मिलने के बाद मुझे वो सारी खुशियां मिल गई, शायद मैं इस यहाँ नहीं आती तो मेरे पास कुछ भी नहीं होता। और गुरु जी आपको तो सारा पता ही है कि मेरे कितने कष्ट रहे हैं, और कुछ है अभी भी, लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि मैंने वन डे किया है, महावन हो जाएगा तो मेरे सारे कष्ट भी दूर हो जाएंगे। लेकिन गुरु जी थोड़ा सा मेरा है कि मेरा ना मूड स्विंग कर जाता है। बाइपोलर डिसऑर्डर था, अब नहीं है। देखिए, भूतकाल में नहीं, वर्तमान में रहो तो सब दिखेगा कि कुछ नहीं। देखिए, आप भूतकाल का सोच के बता रही हैं, वर्तमान का देख के नहीं बता रही हैं। देखिए क्या क्या कष्ट थे आपके और बिटिया के, ये सब नष्ट हुए। बिटिया में कष्ट थे वो भी इसमें लिखे हुए। सिज़ोफ्रेनिया की स्मृति आती, मतलब अनावश्यक चीजें दिखाई देना, सुनाई देना, महसूस होना। यूट्रस में गांठें बन रही थी, एंजाइटी डिसऑर्डर था। बॉडी ऑटो इम्यून की स्मृति आती, एसिडिटी होती थी, श्वास फूलती थी। भुलाने वाली स्मृति आती, मेनिनजाइटिस की स्मृति आती, दिमागी बुखार की। थायराइड ग्लैंड में सूजन हो रही थी, कब्ज व अपच की स्मृति आती। पीसीओडी की स्मृति आती, मासिक धर्म अनियमित रहता था। सुनकर पूरा ना समझने देने वाली स्मृति आती। बोन टीबी की स्मृति आती, गिराने वाली स्मृति आती। ओसीडी की स्मृति आती, सब कुछ गंदा गंदा दिखना, गंदा गंदा होना, परिवार के सदस्यों से नफरत होना, चिढ़ होना, अकेले रहने का मन करना, किसी से बात करने का मन ना करना। चक्कर लाने वाली स्मृति आती, पाइल्स की स्मृति आती, श्वास फूलती थी, ब्रेन स्ट्रोक की स्मृति आती, गर्भपात कराने वाली स्मृति आती, MND की स्मृति आती, मोटर नर्व डैमेज हो रही थी, बैठ करके उठने में कष्ट होता था, अर्ध निद्रा में रखने वाली स्मृति आती, ओवरी में सिस्ट बन रहे थे, और कैंसर की स्मृति आती, यूट्रस में, आंखों में, सर्विक्स में, हड्डियों में, श्वास नली में और फिलिपिन ट्यूब में। इनमें से तमाम स्मृतियां जब सुपुत्र की शादी होती वो सब बहु में चली जाती, सब फिर वो रोगी बनती, अगर दरबार से आप नहीं जुड़े होते तो। तमाम चीजें थी, तमाम सब नष्ट हुई। अब वर्तमान में आप कैसी हो, दिखाएं। गुरु जी एक मैं दवाई, अब वर्तमान में ऐसी हो, शुद्ध और पवित्र, आप और बिटिया दोनों इस तरह से, है ना। अभी तमाम कष्टों की लिस्ट है मेरे पास आपकी लिखी हुई, ज्यादा पढ़ा के क्या होगा, सब नष्ट हो चुका है, कुछ भी शेष नहीं। यही सारा तो तमाम सब चीजें थी, डिप्रेशन, डिप्रेशन, लीवर किडनी में सूजन, काम करने में थक जाना, हड्डियां कमजोर, कूल्हे कमजोर, सब पूरा शरीर में सूजन, सब कुछ इसमें, हार्मोनल इम्बैलेंस, पूरे शरीर मवाद जैसा भरा होना, आंखों में दर्द, चुभन, हमेशा चिड़चिड़ापन, गर्दन में दर्द, दबाव, श्वास लेने में समस्या, जल्दी श्वास फूल जाना, हाथ पैर हमेशा दर्द बने रहना, ये तमाम चीज़ें भरा पड़ा है, तो दो चार पन्ने सुनने से क्या फ़ायदा, सब नष्ट हो चुका है। उठ बैठ के चेक कर लो, अपनी बिटिया से ज़्यादा अच्छी हो चुकी है। बैठिए उठिए, जैसे बिटिया उठ बैठ सकती ना, ऐसे आप उठ बैठ सकती, खड़े हुए ऐसे बन गई हैं आप, जैसे बिटिया आपकी उससे भी ज़्यादा अच्छी हो गई, समझ गए। खुश रहो, प्रसन्न। एक और मुझे पूछना है, मेरी दवाइयाँ चल रही हैं, कम से कम 20 से 25 साल से मैं पिछले काहे की दवा खा रही हूँ, बीपी की दवाई, बीपी की दवाइयाँ खा रही हूँ। बीपी की दवा नहीं, बीपी बढ़ाने की दवा है वो। हाँ है तो ऐसे ही, लेकिन मुझे ये लगता था कि नहीं खाऊंगी तो शायद मैं नहीं रहूंगी, यही सब स्मृतियाँ हैं। अब क्या लग रहा है, खाने, अब दवा खाने का मन कर रहा है, देखो अंदर
अपने आँख अंदर आँख बंद करिए, देखो दवा तुमको दी जा रही, खाने का मन कर रहा है? नहीं कर रहा। जब अंदर रोग नहीं है तो काहे की दवा डिमांड करेगी बॉडी। अब आप जबरदस्ती खाओ तो अलग बात, खुश रहिए। आप आओ बेटा। गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम। खुश हो बेटा, पढ़ने वाले का मन कर रहा है, काम वाम करने का अपना कुछ अपना या? अपना कार्य करने का मन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ कर रहा है, पहले नहीं कर रहा। खूब खुश रहो, खूब प्रसन्न रहो, सब अपना काम अच्छे से कर पाओगे बेटा, खूब मेहनत कर पाओगे और खूब सफलता पाओगे, ठीक है? खुश रहो। गुरुजी मेरी बहू को 6 महीने शादी को हुए हैं, इसे आशीर्वाद दे दीजिए। और वैसे ये मंत्र दीक्षा ले चुकी है, पूरा आशीर्वाद है दरबार का, 100 में 100। जो गर्भपात कराने वाली स्मृतियां थी वो नष्ट हो चुकी है। खुश हो बेटा। बस हाँ बेटा, गुरुदेव एक मेरा डिसीजन लेने की जो क्षमता है उसको प्लीज थोड़ा सब हो चुका है, भ्रमित हो जाता हूँ। सब हो चुका है, कुछ शेष नहीं।